हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपको होम फुल बॉडी वर्कआउट दिखाऊंगा, जिसको आपको प्रॉपरली करना है। यदि आप इसको सही तरीके से करते हो, ऑल्टरनेट डेज पे करते हो, आज आपने वर्कआउट किया, कल आपको गैप देना है, फिर परसों करना है, इस तरीके से आप करते हो आपका मसल्स ग्रो होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सेट्स कितना लगाना है, मैं जितने भी वर्कआउट्स आपको बताऊँगा सभी का 3 सेट करके लगाना है एंड रेप्स आपको फेलियर तक रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो वर्कआउट को हम लोग सबसे बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पुशअप्स लगाने वाले हैं, सिंपल पुशअप्स। आपको दोनों हाथ के बीच इतना डिस्टेंस लेना है, बस अप डाउन अप, ज़्यादा फास्ट नहीं लगाना है, होल्ड करना है, अप 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 अप, यहाँ पर होल्ड करना है, अप होल्ड करना है, अप होल्ड करना है, अप होल्ड करना है, अप होल्ड करना है, अप। इसे आपको कब तक लगाना है, जब तक फेलियर ना जाए। नेक्स्ट हम लोग डिक्लाइन पुशअप्स करने वाले हैं। मैं जो भी वर्कआउट आपको दिखा रहा हूँ, आपको अपने आप को पुश करना है, पहले छोड़ नहीं देना है, वर्कआउट की इंटेंस रखना है, रेस्ट ज़्यादा नहीं देना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग लगाते हैं डिक्लाइन पुशअप्स, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखो, इसके लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, पैर यहाँ पर रखूँगा अपना, बस डाउन अप डाउन अप डाउन अप, थोड़ा होल्ड करना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट के लिए इन दोनों ब्रिक्स का यूज़ करूँगा, इससे हम लोग शोल्डर का वर्कआउट करने वाले हैं। तो अब मैं साइड लेटर लगाता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा होल्ड करना है, डाउन। सिंगल हैंड से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, होल्ड अप, थोड़ा होल्ड कीजिए, डाउन अप, थोड़ा होल्ड करना है, डाउन अप, थोड़ा होल्ड करना है, डाउन। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कोहनी आपका रिच से ऊपर में है, आपका ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कोहनी आपका ऐसे रहेगा हमेशा, एंगल अप अप अप, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रॉपर फॉर्म से करना है। आप ऑल्टरनेट आपको लेफ्ट हैंड में करना है, इसके तुरंत बाद आपको दोनों ईंटों से फ्रंट रेजेस लगाना है, कोई रेस्ट नहीं देना है बीच में, अब यहाँ पर होल्ड, फिर यहाँ तक आएगा डंबल, बस यहाँ पर होल्ड करना है, डाउन यहीं तक आएगा, ठीक है, अप थोड़ा होल्ड करना, डाउन अप थोड़ा होल्ड करना है, डाउन। अब नेक्स्ट हम लोग अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। लोग लेग्स को ट्रेन नहीं करते हैं, बट मैं आप सभी कई चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मसल्स हमारे लेग्स में रहता है। यदि आप लेग्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो आपका लेग्स पतला रह जाएगा, वैसे बॉडी का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपका लेग्स पतला है और ऊपर बॉडी आपका इतना चौड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपना लेग्स को सही करो, उसके बाद अपर बॉडी, आप लेग्स को ट्रेन करेंगे तो अपर बॉडी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाएंगे एंड उसका सही तरीका आपको देखना जरूरी है, प्रॉपर टेक्निक से लगाना, कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हैं प्रॉपर टेक्निक से कीजिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों लेग्स के बीच में इतना डिस्टेंस रखें, पैर हल्का एंगल ऐसे रहेगा, कमर आपका अंदर रहेगा, ठीक है, कमर देखो कैसा, ये अंदर रहेगा, बस यहाँ तक डाउन जाना है, अप यहाँ तक डाउन जाना है, अप कमर एकदम अंदर रहेगा, चेस्ट बाहर, अप अब पूरा यहाँ तक नहीं बैठना है, बस यहाँ तक, ठीक है, बस। इसके साथ तुरंत आपको लंजेस लगाना है, लंजेस के लिए आप एक पैर आगे करना अपना, इससे आपका बॉडी का बैलेंस बनेगा, ठीक है, और लेग्स बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएगा। फिर ऑपोजिट लेग लगाना है आपको, आह
अब इसके तुरंत बाद आपको जंप स्क्वाट्स लगाना है, इतना डिस्टेंस लेना है, जंप जंप जंप, ठीक है, जंप जंप। बस बैक वर्कआउट के लिए आप घर पर चिनअप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। तो मेरे यहाँ पर सामने कोई छज्जा नहीं है जिसके वजह से मैं आपको करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो सपोज ये कोई छज्जा है तो इस पर लटक कर आप अपने बॉडी को ऊपर पुल कर सकते हो, इससे क्या होगा आपका बैक ट्रेन हो जाएगा। तो अब हम लोग डायमंड पुशअप्स करेंगे जिससे आपका ट्राइसेप्स ट्रेन हो जाएगा। एंड ये लास्ट वर्कआउट है, और भी बहुत सारे वर्कआउट है जो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, और कोई दूसरे वीडियो में उन सारे वर्कआउट्स को करके दिखा दूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो कर दूंगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा। तो एट लास्ट हम लोग डायमंड पुशअप्स करेंगे, और इससे क्या होगा आपका ट्राइसेप्स के साथ साथ अदर मसल्स भी ट्रेन हो जाएगा, जो बहुत बढ़िया बात है। तो इसको कैसे करना है, डायमंड पुशअप्स के लिए आपको दोनों हाथ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना है, ऐसे रखना है बस, पैर आप कैसे रहेगा, अप 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 अप, बहुत अच्छा ट्राइसेप्स में प्रेशर फील होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जितने सारे आपको वर्कआउट दिखाया है वो एनफ है, यदि आप उसको प्रॉपरली करते हैं, सही तरीके से करते हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं देते हैं, तो इससे क्या होगा आपका मसल्स ग्रोथ होगा। और भी कुछ वर्कआउट्स हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाया, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करूं, तो क्या करूंगा कि दूसरे किसी वीडियो में उन सारे एक्सरसाइज को डाल दूंगा जिससे आप देखें सीखें और ट्राई करते रहे अपने घर पर। यदि आप ट्राई करते रहेंगे, प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे, तो आपका मसल्स बिल्ड होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अंटिल पीस बाय, टेक केयर।